नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता है। मैं एक इनफर्टिलिटी और IVF स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियल थिकनेस के बारे में। हम जानेंगे कि अगर हमें प्रेग्नेंट हो रहा है तो यूट्रस की लाइनिंग कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए कि ताकि हमारी प्रेगनेंसी रेट्स इंक्रीज हो जाए या फिर हमारे चांसेस ऑफ कंसेप्शन अच्छे हों। तो मैं अपनी अल्ट्रासाउंड मशीन की तरफ शिफ्ट करती हूँ। हाँ, तो मैं अपनी अल्ट्रासाउंड मशीन पर अब शिफ्ट हो गई हूँ। अल्ट्रासाउंड मशीन में हम जो देखते हैं, यूट्रस है ये जो राउंड आपको दिख रहा है यूट्रस है, इसके मिड सजाइटल प्लेन, मिड सजाइटल प्लेन ये मतलब सर्विक्स से पूरा यूट्रस का फंडस तक हमें दिख रहा है। तो इस प्लेन में हम एंडोमेट्रियल थिकनेस को मेजर करते हैं और उसकी जो मैक्सिमल थिकनेस, जहाँ पर सबसे मोटी लाइनिंग है, उसको मेजर करते हैं। जो हमारा कट ऑफ होता है, जो हमारे मेजरमेंट का कट ऑफ होता है कि लाइनिंग एटलीस्ट, अगर हम फ्रोजन ट्रांसफ़र कर रहे हैं मतलब एम्ब्रियो इम्प्लांट कर रहे हैं, तो ये लाइनिंग एटलीस्ट 7.5 के अबव हो। लेकिन अगर हम नॉर्मल प्रेगनेंसी नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये लाइनिंग 6.5-7 के अबव हो तो अच्छा है। तो ये तो इसका मिनिमम रेंज है कि ये लाइनिंग एटलीस्ट 6.5 या 7 के अबव हो अगर नेचुरल ट्राई कर रहे हैं। अगर फ्रोजन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये एटलीस्ट 7.5 के अबव हो। इसके अलावा इसका जो मैक्सिमम भी होता है कि ये लाइनिंग अभी 14-15 इसके अबव भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लाइनिंग इतनी मोटी है कि वो 14-15 mm के अबव है, तब भी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आएगी। तो ये तो फर्स्टली हमने देखा कि लाइनिंग की थिकनेस क्या है। इसके अलावा लाइनिंग का इकोटेक्चर भी देखा जाता है कि लाइनिंग तीन भागों में, जैसे आप ये देख सकते हैं, 1 line, 2 line, 3 line, तो इसको हम ट्रिपल लाइन कहते हैं। अगर लाइनिंग की ये ट्रिपल लाइन मॉर्फोलॉजी होती है तो ये अच्छा माना जाता है। तो एंडोमेट्रियल थिकनेस में हमने थिकनेस मेजरमेंट करी और उसकी मॉर्फोलॉजी कि वो देखने में कैसी है, ट्रिपल लाइन है या फिर हाइपर इकोइक है, मतलब एक सिमिलर लाइन चलती जा रही है। यूजली ट्रिपल लाइन मॉर्फोलॉजी बेटर मानी जाती है। तो फर्स्टली हमने लाइनिंग की थिकनेस देख ली कि वो कितनी है। उसके बाद लाइनिंग की हम यूट्रस का शेप देखना भी बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम नेचुरल कंसेप्शन में करें, बट जब भी हम किसी पेशेंट का फ्रोजन ट्रांसफर प्लान करते हैं तो एक 3D स्कैन यूट्रस का शेप का पक्का बनाते हैं, ये देखने के लिए यूट्रस में कोई सेप्टा, कोई झिल्ली तो नहीं है कि उसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी होने में दिक्कत है। इसमें जब भी हम ट्रांसफर के लिए देख रहे होते हैं, जब हम इम्प्लांटेशन के लिए देख रहे होते हैं, तो एक ये स्कैन जिसको हम वॉल्यूम 3D वॉल्यूम करते हैं कि यूट्रस के अंदर वॉल्यूम कितनी है, एटलीस्ट 2 cc के अबव होनी चाहिए। ये फ्रोजन ट्रांसफर के लिए होता है। ये भी एक एडवांस टेक्निक है जो ज़रूरी नहीं है कि आपके डॉक्टर्स करें हमेशा। इसके अलावा एक वस्कुलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्कुलैरिटी मुझे लगता है कि इवन इफ आप नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपके डॉक्टर ज़रूर देखें। वस्कुलैरिटी मतलब जैसे जो ये ब्लड फ्लोज के जो वेसल्स हैं, ये जो वेसल्स हैं ये यूट्रस की लाइनिंग को क्रॉस करके अंदर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर ये फ्लो के करके अंदर जा रहे हैं तो ये प्रेगनेंसी रेट इम्प्लांटेशन में इम्प्रूव करते हैं। जब भी यूट्रस की लाइनिंग को क्रॉस कर जाते हैं तो इट मीन्स यूट्रस की वस्कुलैरिटी अच्छी है। तो यूट्रस का लाइनिंग की थिकनेस कितनी है, देखने में कैसी है, वस्कुलैरिटी अच्छी है यानी। इसके अलावा यूट्रस का शेप ज़रूरी है, यूट्रस का वॉल्यूम ज़रूरी नहीं है, आपके डॉक्टर करें। सो दिस इज समथिंग विच आई कंसिडर इज ऑप्शनल देयर। तो एंडोमेट्रियल थिकनेस के लिए थिकनेस, मॉर्फोलॉजी, यूट्रस का शेप और वॉल्यूम, ये चार चीज़ें आपके डॉक्टर अगर करते हैं तो हाई चांसेस हैं कि हम प्रेगनेंसी अचीव कर पाएंगे, अगर ये सब चारों कैरेक्टर्स हमारे परफेक्टली मैच करते हैं। जैसे इस स्कैन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइनिंग भी अच्छी है, 3D कैविटी भी अच्छी है, शेप भी नॉर्मल है, वॉल्यूम भी नॉर्मल है, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी रेट्स बहुत अच्छी रहती हैं। यहाँ पर हमने जब फ्रोजन ट्रांसफ़र किया तो वी कुड अचीव प्रेगनेंसी देयर। इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ नया ही जाना होगा। इसके बारे में आपके कुछ सवाल हैं तो ज़रूर हमें फ़ोन या ईमेल करिए। धन्यवाद।